गुड टू सी यू रानी, ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद। जी बिल्कुल। सबसे पहले बताइए क्या फीलिंग है जब हम यहाँ रूबरू हैं आपके इतने लंबे वक्त के बाद। मुझे बिल्कुल नया लग रहा है और थैंक यू आप लोग यहाँ पर आए मुझसे बातचीत करने के लिए। बहुत टाइम हो गया कैमरे को देखे हुए और इस तरह के सवाल जवाब के। आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। रानी, सबसे पहले जो दुखद, हालांकि ऋषि कपूर साहब, इरफान खान साहब, बहुत से लोग लॉकडाउन के दौरान उनका देहांत हो गया अलग अलग वजहों से, लेकिन सुशांत एक ऐसे शख्स हैं जिनके जाने ने हम सबको झंझोड़ दिया। हाउ यू रिएक्टेड व्हेन यू केम टू नो कि सुशांत इज नो मोर, दिस इज हाउ यू वेंट। मैं ऋषि कपूर जी, इरफान जी, उनके जाने का एक रीज़न था कि वो बीमार थे या समथिंग, हॉस्पिटलाइज थे, तो दुख तो हुआ, लेकिन सुशांत के जाने का एक झटका सा लगा। जब मेरे मैनेजर ने मुझे न्यूज़ भेजी तो मैंने उसे कहा कि क्या मजाक कर रहे हो इस तरह का। उसने बोला नहीं, दिस इज़ रियल। और मैंने जब न्यूज़ शुरू की, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो होता ना कि हाँ ऐसे वाला कुछ, हाँ वैसा कुछ हो गया। ऐसा लगा कि क्या सुन रही हूँ मैं, ये जो क्या है ये, यकीन नहीं हुआ। मैं 4-5 दिन तक मैं काफ़ी परेशान रही, काफ़ी स्ट्रेस में रही। और उसके बाद एक्चुअली उन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद जो रीजंस निकले, जो नाम आने लगे सामने, फिर कंगना का फिर बयान आया। मैंने चूंकि सपोर्ट किया कंगना को पूरी तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग, जितनी हमारी इंडिया के जितने भी लोग हैं, पब्लिक है या जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो बोल रही हैं, वो सब लोग ना सुशांत से कहीं ना कहीं खुद को रिलेट करते हैं, क्योंकि इस तरह का नेपोटिज्म सबके साथ होता है। कहीं ना कहीं आपके साथ भी, आपके फील्ड में भी होता है, हमारे साथ भी होता है। इस वजह से ज़्यादा कनेक्ट हो गए सुशांत से। मैं रोई भी, मैंने कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं की, किसी फ्रेंड से या किसी से, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मेरी मॉम ने समझाया कि इतना ज़्यादा मत सोचो, खुद को डिप्रेस मत करो, बट इट्स रियली सैड, बहुत बुरा हुआ। आप एग्री करती हैं जो कंगना का जो कहीं कहना है कि इस तरह से सब कुछ होता चला आ रहा है, उस बारे में आप क्या देखिए, अगर सच में सुशांत ने डिप्रेशन में आके किया है तो डेफिनेटली कंगना कहीं ना कहीं सही है। और देखिए, कंगना सही है एक तरफ, क्योंकि मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ और मैंने भी बहुत लंबी जर्नी तय की है इंडस्ट्री में। ठीक है, मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, मैं भोजपुरी से हूँ, लेकिन ये जो होता है ना, ये हर इंडस्ट्री में होता है। तो कंगना ने कहीं ना कहीं झेला है, इसलिए वो बोल रही है, उसका एक्सपीरियंस है, वो बोल रही हैं, और ये होता है, इज़ वेरी जेन्यून। आपकी अगर मैं बात करूँ रानी, आपने बताया कि आप भी उस दौर से गुजरी हैं, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, रानी चटर्जी अपना एक नाम, अपने एक मकाम, अपनी एक पहचान बनाने में कितना वक्त लगा और कहाँ से शुरू किया? मैं बताना चाहूँगी मेरे बारे में। मेरी पहली फिल्म आई थी 2004 में, ससुरा बड़ा पैसा वाला, विथ मनोज तिवारी। उसके बाद मैं बहुत नई थी और बहुत कम एज की थी, इंडस्ट्री का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। वो फिल्म हिस्ट्रिकल फिल्म है हमारी इंडस्ट्री की। उसके बाद मनोज जी के पास धड़ाधड़ लाइन लग गई फिल्मों की, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछ रहा था कि इसे एक्टिंग नहीं आती, इसे डांस नहीं आता, ये हीरोइन जैसी नहीं दिखती। ओके, सब लोग नए होते हैं, मैं भी नई, कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, बट एक हिस्ट्रिकल फिल्म दे चुकी वाली एक्ट्रेस के बारे में इतना कुछ। उसके बाद कैसे कैसे करके, चूँकि अब आ चुकी थी तो मेरी मॉम का बहुत सपोर्ट रहा, काम करना शुरू किया। हीरो जो थे फिल्मों के, वो फिल्मों में कास्ट नहीं होने देते थे, क्योंकि उनको मैं हीरोइन जैसी नहीं लगती थी। कहीं बड़े बैनर्स आ गए तो मैं कभी बड़े बैनरों में मैंने काम नहीं किया, ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों ने मुझे कास्ट नहीं किया। और जब मैं कुछ बन गई तो फिर मैंने दिलचस्पी नहीं दिखाई उनके साथ काम करने में। हाँ, जो होता है स्टार्टिंग में बड़ा होता था कि यार इतनी बड़ी फिल्म में मुझे कास्ट नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ कि बोला गया कि तुम हो फिल्म में, लेकिन किसी और हीरोइन के साथ शूटिंग शुरू हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। तो ये स्टार्टिंग डेज में मेरे साथ काफ़ी हुआ। और एक टाइम ऐसा आया कि जो स्टार हीरो रहे हमारी इंडस्ट्री के, उनको वो मेरे साथ फिल्म नहीं करते थे, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, जो मुझे लोग बोलते हैं कि दो सुपरस्टार एक फिल्म में कैसे होंगे। क्योंकि मेरा अपना एक स्टारडम रहा। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास ये था कि मैं अगर एक्टरों के साथ फिल्म नहीं करूँगी तो मैं करूँगी क्या? अगर ये एक्टर मुझे फिल्मों में मेरे साथ काम नहीं करेंगे, उनकी अपनी चॉइस होती थी। फिर आई डिसाइड कि चलो स्क्रिप्ट पर काम किया जाए, ना कि स्टार को इम्पोर्टेंस दी जाए। मैंने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया और मैं क्लिक हो गई।
मीन्स लाइक वुमेन ओरिएंटेड फिल्में स्टार्ट हो गई। और मैंने अनगिनत, मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा एक्टरों को मैंने डेब्यू कराया मेरी फिल्म से, क्योंकि मैं समझती हूँ नया कलाकार का एक डेब्यू उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो 50 से ज़्यादा लोगों को मैंने डेब्यू कराया, तो इस तरह से मैंने अपना एक स्टैंड ले लिया। लेकिन होता तो सबके साथ है, उसके बाद कई एक्टर की मेरे साथ फिल्म कीजिए। और एक और एक चीज़ होती थी कि जो एक्टर मेरे साथ लॉन्च होते हैं, स्टार्टिंग में जब आते हैं तो उनको लगता है कि रानी चटर्जी के साथ लॉन्च होना चाहिए, लॉन्च होते हैं, उसके बाद जब वो स्टार बन जाते हैं तो उनकी अपनी चॉइस हो जाती है हीरोइन वाली कि हमें तो ये हीरोइन चाहिए, हमें तो वो हीरोइन चाहिए। तो मैं सुनती सब हूँ, बट मेरे पास काम ऑलरेडी था, मैं ऑलरेडी मेरा अपना एक था, इसलिए शायद मुझे उतना मैंने ध्यान दिया नहीं कि अब जाओ बड़े प्रोडक्शंस जो हमारी इंडस्ट्री में, खासकर सो कॉल्ड बोलती हूँ मैं तो उन्हें, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने बड़े बैनर का फ़ायदा उठाते हैं, ना वो किसी को पेमेंट करते हैं ज़्यादा, बस रोते रहते हैं। सो मैं जब स्टार्टिंग में उन लोगों ने मुझे अवॉइड किया, तो जब मेरी बारी आई मैंने उन्हें अवॉइड किया। आप ये कहना चाह रही हैं कि थोड़ा सा आप आगे आगे ओके आप ये कहना चाह रहे हो कि निराश होने के बजाय, डिप्रेशन में जाने के बजाय अपने मौके का इंतजार। यस, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि निराश होने के बजाय आप अपनी मेहनत इतनी जी जान से कीजिए कि आपको जब मौका मिले तो फिर छोड़ो मत। इट्स वेरी सिंपल। स्टार्टिंग डेज में जो मुझे बैड डांसर, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये हीरोइन नहीं दिखती है, इसे कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, उसके बाद जब आपके पास सक्सेस आ जाती है ना, वाह यू आर अ ग्रेट डांसर, व्हाट अ स्टाइलिश, क्या डायलॉग बोलती हो, हाय हाय, यू नो, सक्सेस के साथ ही ना कॉम्प्लीमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो मैंने अपने आप पर काम किया, मैं, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का रहा। एक कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक शो, अवार्ड शोज़, मैं सबसे ज़्यादा फिल्में करने वाली एक्ट्रेस हूँ मेरी इंडस्ट्री की, आप भी अगर भोजपुरी की बात करेंगे तो सबसे पहला मेरा नाम आएगा एक्ट्रेसेस में, अवार्ड फंक्शंस में नहीं बुलाया जाता जल्दी। लेकिन किसी लड़की ने अगर टीवी में 2 एपिसोड भी किए हैं ना, और अगर वो उनकी स्पेशल है, तो वो अवार्ड में परफॉर्म करती नज़र आती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, जो कंगना कह रही थी कि जो हम करते हैं उसके लिए तो आप लोग हमें रिस्पेक्ट दो, उसके लिए तो हमें इज्जत, हाँ, इज्जत मान सम्मान दो, बाकी तुम लोग को जो करना है करो, अपने फूफा दादी चाचा चचेरी जिसको लाना है, जिसको भरना है भरो, बट हम जो अपने से कर रहे हैं आप उसको रिस्पेक्ट दो। यही कंगना का कहना था और ये मैं भी कहना चाहूँगी। टीवी का आपने जिक्र किया, इतना बड़ा शो का हिस्सा रहे हैं आप, और रोहित ने बड़ा अप्रिशिएट किया आपको, हमेशा हौसला अफजाई करिए जो शो के दौरान, मतलब अभी आपने वो जिक्र किया कि टीवी में आपने कुछ भी किया, आप तो बहुत कुछ कर चुकी हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू सी दिस? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कभी कभी, क्योंकि फिल्म, टीवी या कहीं पर भी मैं अगर हूँ तो मैं अपने दम पर हूँ। इसके पीछे किसी भी गॉडफादर का कोई हाथ नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऑफ़र जब आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि खतरों के खिलाड़ी के लिए मुझे चुना गया है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो रोहित सर से मिलने की ही थी, बट ही इज़ सो स्वीट, ही इज़ सो नाइस, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे तो, मैं थोड़ा जल्दी आउट हो गई वहाँ से, जबकि किसी को लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आउट हो जाऊँगी, मुझे भी नहीं लगा था, बट लेकिन फिर भी जितना प्यार दिया ना पूरी टीम ने, कलर्स एक्सीलेंट। आपने कहा कि एक वक्त था, और जब मैं उस वक्त की बात करता हूँ तो मुझे 3 लोग याद आते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ। के साथ काम करने के लिए मना करा? नहीं, इन लोगों ने मेरे साथ काम करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने तब मेरे साथ काम किया जब मैं कुछ ऑलरेडी हो चुकी थी। जैसे दिनेश जी के साथ मैंने फिल्म की, दिनेश जी के साथ मेरी अभी तक ना सोलो बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं आई, नीरव और मैंने वही फिल्में की जिसमें वो किस, उनके अपोजिट कोई और हीरोइन, मेरे अपोजिट कोई और हीरो, ऐसा सोलो हमने कभी नहीं किया। रवि किशन जी के साथ मेरी जोड़ी ऑलरेडी हिट है, रवि जी के साथ भी फिल्म मैंने तब की जब मैं ऑलरेडी एक बहुत नाम कमा चुकी थी, मेरे उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं। और इवन मनोज तिवारी जी, ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट देने के बाद मनोज जी अपनी फिल्मों में सिर्फ हिंदी के एक्ट्रेसेस ढूंढ रहे थे, वरना ये पॉसिबल है कि हिस्ट्रिकल फिल्म हो और उस एक्ट्रेस और एक्टर ने सिर्फ 3 फिल्में की हों साथ में? और मैं तो बिल्कुल नहीं,
मैं बिल्कुल नहीं थी, तो मुझे लगता था कि ओके मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे तो अच्छी बात है ये जब चीज़ें हुई तो मैंने अपने आप पर काम किया, मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया। और ऐसे कई एक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री में अभी जो सिर्फ ग्रुप बना के काम करते हैं, ये इनफैक्ट डायरेक्टर, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन लोगों को समझ में नहीं आता ये लोग चाहते क्या हैं, ये लोग सिर्फ अपना इन्जॉयमेंट चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटर अगर फिल्म बनाएगा तो भैया ई है होई, एक्टर बोलेगा ई ना होई, ई होई तब है फिल्म बनी, तो ये सब क्या है यार, पब्लिक के लिए फिल्म बना रहे हो कि अपने लिए बना रहे हो? क्या कास्टिंग काउच है? देखिए कास्टिंग काउच हर जगह है, लेकिन इससे निपटने का तरीका भी है। मुझे लगता है कि अभी इतनी एजुकेटेड तो हमारी इंडस्ट्री हो गई है कि यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है कि वो फिल्मों की तरह कमरे में धक्का दिया और उसके ऊपर जंप कर लिया, यही नहीं होता है, इसे मेरी म्यूटल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है कि कुछ लोगों को करना है, कुछ लोगों को नहीं करना है। जिन लोगों को बहुत जल्दी ऊपर जाना है वो शायद उसे चुनते हैं, और जब वहाँ पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है तो वो लोग उसका हल्ला करते हैं। जैसे मैं, मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि मुझे पहला ब्रेक ही दिया था वो बहुत ऐसे मिल गया था, मुझे ऐसी ही फिल्म मिल गई थी कि तुम्हें एक्टिंग आती है, मैंने कहा आती है, कर लोगी? हाँ कर लूँगी, ओके। फिर नटराज में बुलाया, दो तीन स्टेप दिए, मैंने किया, बोला तुमको इस फिल्म में हीरोइन दे रहे हैं, बोले कौन सी पिक्चर है? बोले भोजपुरी। मैंने कहा ओह हीरो कौन है? तो उसमें मनोज तिवारी जी थे। तो ऐसी फिल्म मिल गई थी मुझे, तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी जैसे सुशांत का भी केस है, सुशांत के अलावा ऐसे कई एक्टर हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। सुसाइड इंसान तब करता है जब वो हर तरफ से निराश हो जाता है और अकेला हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी जो न्यू कमर्स हैं उनके माता पिता, अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि वो एक्टिंग करें, मुंबई में आएँ, तो प्लीज़ कोई एक पेरेंट्स उनके साथ ज़रूर यहाँ पर आए, वो सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। आखिरी सवाल, क्या मुझे आपकी बेबाकी से लग रहा है कि मैं भोजपुरी भी नहीं कहूँगा, मुझे लग रहा है इंडस्ट्री की दूसरी कंगना रनावत? ओह माय गॉड, वैसे काफ़ी लोग तुलना करते हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों से ही टिकी हूँ अभी तक। पिछले 10 सालों से मेरा करियर सिर्फ मेरे दम की फिल्मों पर ही चला है, जिसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं मुझे, बस मे बी आप कह सकते हैं। आपने जैसे जिक्र किया कि बहुत सी लड़कियों को आपने मौका दिया क्योंकि आपने वो सफ़र, वो संघर्ष देखा था और आपने नहीं चाहा कि वो देखें, वो लड़कियां भी उस सब से गुजरे। बॉयज़, मैंने बहुत सारे लड़कों को एज अ हीरो लॉन्च किया है मेरे साथ। अच्छा, तो आप मानती हैं कि एक एक एक्ट्रेस होके इतना सब कुछ सोच सकती है, जब मनोज तिवारी के कैलिबर के लोग वो इतना क्यों नहीं सोच पाते? और जब वो मतलब आज तो खैर वो अलग राजनीति, देखिए वो अभी चूँकि मेरे फ्रेंड हैं, मनोज जी मेरे दोस्त हैं, रवि जी भी मेरे दोस्त हैं, निरहुआ भी मेरे दोस्त हैं, मुझे लगता है कि वो लोग अपना कम्फर्ट जोन सबसे पहले देखते हैं और मैं अपना कम्फर्ट जोन पहले नहीं देखती। मुझे लगता है कि नए टैलेंट को अगर मौका देना चाहिए तो मैं ज़रूर देती हूँ, लेकिन वो टैलेंटेड होना चाहिए। इंडस्ट्री में हर साल, हमारी इंडस्ट्री में हर साल अनगिनत लड़कियाँ लॉन्च होती हैं लेकिन वो टिक नहीं पाती हैं, क्योंकि आप टैलेंट को मौका नहीं दे रहे हैं, वो लोग कुछ और चीज़ को मौका दे रहे हैं। ठीक है, अभी एक एक्टर का एक स्टेटमेंट आया था कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, कि कोई भी न्यू लड़की चलेगी फिल्म में लेकिन जो इंडस्ट्री में लड़कियाँ वो नहीं चलेंगी। तो मैंने सोचा कि ये क्या बात है भाई, तो हम हीरोइनें भी बोल सकती हैं कि हमारे लिए यंग बॉयज लेकर आओ एक्टिंग के लिए, हम नहीं काम कर रहे भाई एजेंट्स के साथ, बुजुर्गों के साथ। सो ये कहने की बात है। तो यू नो, इस तरह के स्टेटमेंट, ऐसे बेवकूफ़ वाले स्टेटमेंट, सो हो सकता है कि आप मुझे बेबाक बोल सकते। आखिरी बोल रहा हूँ मैं, सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह का हो हल्ला मचा है सुशांत को लेके, सलमान को घसीटा जा रहा है, बिंग वुमेन है, जावेद अख्तर साहब हैं, करण जौहर हैं, सोनाक्षी ने ट्विटर छोड़ दिया, करण जौहर को लेके दुनिया भर का आधे एक्टरों ने तो कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया, ये भी पता है मुझे। तो रानी, आप मानती हैं कि जिस तरह का, जिस प्रेशर को लेके इतनी बगावत चल रही है कि ऐसे लोगों को इस तरह से प्रताड़ना ना दी जाए, अब आप भी कहीं ना कहीं जो सब कुछ चल रहा है, तो अब करण जौहर ही भगवान ना करे कहीं कुछ कर ले तो, या कोई और कुछ कर ले, ये मेंटली टॉर्चर तो होता है सोशल मीडिया के थ्रू। आज ही मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है इसी के चलते, सुशांत को लेकर लोग इतनी ज़्यादा सीरियस और इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, पजेसिव हो गए हैं, और नो डाउट होना भी चाहिए, एक यंग सक्सेसफुल लड़का
इस तरह की हरकत करता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा। लेकिन जब तक पुलिस या फिर हमारा कानून नहीं बताता कि ये लोग शामिल हैं, तब तक कुछ भी कहना बुरा है। जैसे मेरी इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो गंदे गंदे गाने बना रहे हैं इसके ऊपर, तो अब ऐसी सोच वालों को हम क्या कर सकते हैं? अरे कानून का इंतज़ार करो ना, उस पर कार्रवाई हो रही है। रही बात करण, तो करण ने तो कई बार खुद ही बोला है कि मैं अपनी फूफा के इसको दूँ लॉन्च करूँ, कि मैं चाची को उसको लॉन्च करूँ, तो उसने खुद एक्सेप्ट किया है, तो वो भुगत रहे हैं। सलमान को लेके क्या? सलमान, जहाँ तक सलमान खान की बात है, मुझे लगता है कि देखिए कोई, जैसे मैंने कहा कम्फर्ट जोन हमारी इंडस्ट्री में भी है, उनका भी है कंफर्ट जोन, बट ये गलत है। टैलेंटेड लोगों को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए, और आई थिंक मुझे लगता है कि इन सबको सोचना चाहिए इस बारे में। सुशांत के ही थ्रू आई थिंक आगे शायद चीज़ें सुधरें। खतरों का खिलाड़ी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अक्षय और कैटरीना कैफ आने वाले हैं, हाउ एक्साइटेड यू आर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उस दिन बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि 3-4 महीने बाद मैं कैमरा देखूंगी, सारे एक्टरों से मिलूंगी, एक्शन कट सुनूंगी विद रोहित शेट्टी एंड अक्षय कुमार एंड कैटरीना कैफ, लाइक ड्रीम कम ट्रू। ये सोचा था आपने कि यहाँ तक सब कुछ आएगा? विश्वास था कि ज़िंदगी में कुछ बेहतर ज़रूर करूँगी, लेकिन ये नहीं पता था कि अपने दम पर करूँगी। तो ये जो दुगनी खुशी है ना कि किया और अपने दम पर किया, ये बड़ी कमाल की है। खतरों का खिलाड़ी का, यू नो, आपकी फिल्मों का काम में अगर साइड में रख भी दूँ थोड़ी देर के लिए, आप मानते हैं खतरों का खिलाड़ी एक आपके करियर में एक नई उछान, एक उड़ान लेके आया, एक नया पहचान? देखिए, किसी एक्टर की लाइफ में ना लंबी उड़ान, लंबी उछान जो आप बोल रहे हैं, ये उसके परफॉर्मेंस से आती है। खतरों के खिलाड़ी एक रियलिटी शो है, जिससे लोग वहाँ भी लोग मुझे जानेंगे जहाँ लोग मुझे नहीं देखते हैं, लेकिन जो उड़ान है वो तो एक बेस्ट परफॉर्मेंस से आएगी। तो आई थिंक मुझे वेट है एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाले किरदार का। क्या आप हिंदी फिल्मों की तरफ रुख कर रही हैं? बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। किसी एक डायरेक्टर का गिवन अ चॉइस, जोया अख्तर, मैं जोया अख्तर फीमेल डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, इम्तियाज अली के साथ आई थिंक जब भी मैं 2 बनाए वो तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। थैंक यू।